ये सब जल के एकदम राख हो गए हैं। पीतल का था, 200 कुंटल पीतल था, यहाँ सब जल के राख, थोड़ा बहुत कुछ बचा है बस। इधर भी सामान था, डालडा, घी, सोना चांदी, पैसे, कुछ कैश थे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक। 20-10 टोटल कितने का नुकसान हुआ भी? कम से कम 12 से 13 लाख रुपए का सामान था कम से कम। जो घर का, अब जो घर का था तो वो अलग ही, किराने का था, घर का था उस, और गहनेरू सामान, सोना चांदी। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज मैं आई हूँ चित्रकूट जिला ब्लॉक मऊ गांव गाहुर। यहाँ पे 30 नवंबर को आग लगी है दिनेश केसरवानी के घर पे। पूरा किराना का सामान था, गल्ला था, कपड़ा था, गहना था, पैसा था, बहुत ढेर सारा सामान था, सब जल के राख हो गया है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरा जल के राख हुआ है, इस तरह से 2-3 कमरा घर पूरा जल गया है। इसमें किराने का पूरा सामान था, लगभग इनका 10 लाख के सामान जल के राख हुआ है, पूरा नुकसान हुआ है। अब इनके घर पे ना खाने के लिए है, ना बच्चों को कुछ पहनने के लिए है, और इस तरह की ठंडी पड़ रही है, ना इनके घर पे कुछ कपड़ा बचा है, इस तरह की स्थिति है। कैसे क्या हुआ है आपके घर पे? हम उधर बाहर साइड थे, जब देखे धुआं कैसे जल रहा है, तो फिर बाद में अंदर आए तो आग लगी थी। हम जान नहीं पाए कैसे लगी है आग, और फिर जब देखे तो कोई जा नहीं पाया, सारा सामान भर गया, बच्चों का कपड़ा लत्ता, जेती पेटी अटैची रही सब भर गई, जेवर ओवर सब हमारे भर गए। जेवर में क्या का था? जेवर में गले का था, पैर का था, हाथ के थे, सब पूरा डेरा था, पूरा जितना कपड़ा लत्ता, बच्चों के 4 लड़कियां हैं, सब का पूरा कपड़ा लत्ता सब जल गया है, कोई जा नहीं पाया अंदर। अब आग टीन के कारण अंदर से पूरा जल गया। आग 2-3 घंटा तक लगी थी, लाइट नहीं थी तो बोर नहीं चालू हुए था, कितना पानी टीन से अंदर जा ही नहीं रहा था, 2-3 घंटे में सब जल के राख हो गया। हमारे 4 लड़कियां, हम और हमारे पति बस हो गया। इतने लोग रहते हैं तो दुआरे साइड थे, बच्चियों को नहलाते थे, अब पीछे हम जान ही नहीं पाए कैसे आग लग गई। वैसे कितने का सामान नुकसान हुआ? लगभग 4 से 5 लाख का। और वैसे हम लोग अब उसमें क्या क्या उसमें देखे, लगभग तो बहुत ज़्यादा सामान हुआ, 10 से 12 लाख 13 लाख का सामान, राई, गेहूं, अलसी और गहनेरू सामान भी था, कुछ पैसे भी थे उधर। जब आपके घर पे आग लगी है तो किसी को फोन किए अधिकारियों को? उस समय कोई आया है, नहीं आया? उस समय तो कोई अधिकारी कोई मौजूद नहीं आ पाए। थाने में लगाए थे फोन, तो फिर पुलिस खाली थाने की, बड़गढ़ थाने के SO साहब लोग आए थे, फायर ब्रिगेड को लगाए तो फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए, शाम तक भी नहीं। कुछ हमारे गांव के लोग थे, मित्रगण, सब लोग मिल के आग बुझाए, गाँव वाले, कोई सरकारी आदमी मतलब दमकल और कोई नहीं, तहसीलदार कल मौके में आए, लेखपाल साहब जी आए थे, आश्वासन दे के गए हैं, अब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। दमकल विभाग में फ़ोन किए थे, 100 डायल वालों को फ़ोन किए थे, तो बताए दमकल का नंबर दिए, वहाँ लगाए तो कहे गाड़ी पहुँच रही है, गाड़ी यहाँ आई ही नहीं, कह रहे हैं बड़गढ़ से लौट गई है, हमको तो लगता है सब झूठ अफवाह है। 4 घंटा आग लगी, गांव के लोग मिल के, पूरे लोग मिल के गाँव आग को काबू पाए, 12 बजे से कम से कम 4 बजे तक बुझाए, दमकल विभाग, सरकारी विभाग, कोई सहायता नहीं मिला। कम से कम बड़गढ़ में दमकल होना चाहिए, क्षेत्र में आग खेतों में लगती है, घरों में लगती है, सरकार से अपील है। कट जा रही थी, बताइए क्या आप कह रही थी? सर, मैं ये कह रही थी कि ग्राम पंचायत गाहुर है, यहाँ दिनेश गुप्ता है, उनके घर पे कल अचानक दो लोगों पे आग लगी थी। हाँ जी जी, तो बताइए, ये तो आप आज आप पहुंच रही हैं, तो कल की घटना है, कल ही सब लोग पत्रकार पहुंच गए थे, हम लोग पहुंच गए थे, कानगो और नायब साहब, और लोग बता रहे आगे, मैंने मौका देख लिया है, जांच हो रही है उसकी, जो भी उचित होगा सहायता दी जाएगी, दैवीय आपदा के अंतर्गत होगी तो सहायता दी जाएगी, और किसी ने यदि आग लगाया होगा तो फिर जांच तो उसमें सहायता नहीं दी जाएगी। फिर कानगो साहब गए थे तो उसमें जो है जांच हो रही है, उसमें चूंकि पुलिस भी गई थी मौके पे, तो उसको अभी जांच चल रही है कि वो क्या है, आग लगने का वास्तविक कारण क्या है।
जैसा भी होगा सहायता दी जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।